ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का रुख करेंगे। उदयपुर का कन्हैया हत्याकांड एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब कांग्रेस के नेता उन पर जवाबी हमला बोल रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये जो दुखद घटना हुई थी उस पर राजस्थान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मामले की जांच एनआईए को सौंपी, लेकिन एनआईए अभी तक आरोपियों को सजा नहीं दिलवा पाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह और अलवर सांसद के साथ ही कई दिग्गज नेताओं पर भाजपा के निशाना साधा। मणिपुर मामले पर उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार मणिपुर में हिंसा रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये दुखद घटना हुई उसके ऊपर तुरंत राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करी। नाकाबंदी कुछ देर बाद ही नाकाबंदी शुरू हो गई और लगभग 30-40 किलोमीटर दूर ही नाकाबंदी के अंदर राजस्थान पुलिस ने उनको दबोच लिया है। अब वो जो जहां तक सजा की बात है वो तो कोर्ट देगी, लेकिन जो भी चार्जशीट बनाई है पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने, वो इतनी मजबूत चार्जशीट बनाई है कि उसको सख्त से सख्त सजा होने वाली है। जैसे एक उसका पूरे देश के अंदर, राजस्थान में ही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर वो एक उदाहरण बनी। तो वहीं विधानसभा के 8वें सत्र की बैठक 14 जुलाई से होने जा रही है, इसे लेकर के विधान